आंखें बंद करो जरा देखे क्या दिक्कत हो रही, क्या बताया तुमने? अजीब सा चलता है कुछ, कभी दर्द होता है कभी सुन्न हो जाता है। ओम शिव, सब निकाल के नष्ट कर दिया जाए, जगा के रखा जाए इसको। बताइए बेटा गुरु, कहाँ रहे तो पहले? तो ये फरीदाबाद दिल्ली। इसमें क्या कि जब पढ़ने बैठता हूँ ना तभी नींद से आ जाती है, और यहाँ बंदा लेपन कर रहे? नहीं कर रहे हो तुम, शुरू किया कि नहीं? हो गया सर, कर रहे हो? जी जी, कम से कम 6 महीने करना तुम्हें, पता है ना तुम्हें समस्या अपनी? जी जी। निद्रा, जैसे पढ़ने बैठते हैं ना वैसे नींद सी आ जाती है, और यहाँ पे कुछ कान में अजीब सा चलता है कुछ, कभी दर्द होता है कभी सुन्न हो जाता है, कभी आंखों में कुछ अजीब सा होता है। आंखें बंद करो एक मिनट, देखते क्या है। इनका जो शरीर अंदर सो रहा है उसको लात मार के 4 जगाया जाए, उठाया जाए, 4 लाते मारी जाए इसके कनपट्टी पे। ओम शिव, उठ उठ और उठ, पूरा उठ के बैठ, पानी डाला जाए इसके, ऐसे ही जागेगा, जहर निकाला जाए निद्रा का इसके अंदर से। ओम शिव, सब निकाल के नष्ट कर दिया जाए, जगा के रखा जाए इसको। जब ये बच्चा सोए स्वयं तब वो सोएगा, सोच अन्यथा 4 लाते पड़ेंगे अगर सोने के प्रयास किया, पढ़ाई के समय अगर सोने के प्रयास किया तो 4 लाते पीछे से कनपटी में, 4 थप्पड़ मारे जाए इसके पहले। ओम शिव, इसके सभी शरीरों से निद्रा भी नष्ट कर दिया जाए, कहीं शेष ना रहे। ओम बैलेंस, विंध्यवासिनी अपना प्रभाव दे दें इस बच्चे में। बैलेंस, इसका पीछे वाले का पेट फाड़ दिया जाए। ओम शिव, इसके पेट से इसका खा के सो रहा था सब निकाल लिया जाए, इसको भूखा किया जाए, बाहर निकालो इसको बाहर। ओम शिव, सब बाहर सेवकाओं को खिला दिया, निकाल के पेट फाड़ के सब निकालते रहो, सब खिलाते रहो, कीट सेना प्रहार, सब नोच नोच खा जाओ घुस के पेट में, कुछ बचे नहीं, दिमाग घुस जाओ, निंद्रा खा जाओ सारी जितनी बटोर के रखी इसने, सब खा जाए, नोच नोच के खा जाओ, 3 बोलते खा के बाहर आओ पूरी तरह, 1 2 3 शिव बैलेंस। इसका फटा हुआ पेट सील दिया जाए, सुश्रुत टाँके लगाएं, लेपन करें, सब बाहर आएंगे। बैलेंस, इस स्थूल को भी निद्रा से बाहर लाया जाए। बैलेंस, उल्टी करा दी जाए बची गंदगी खांसी के द्वारा, और उल्टी कराई जाए, और कराई जाए उल्टी, और कराई जाए उल्टी कसके इसको। ओम शिव, सब गंदगी बाहर, और कराई जाए, ये कहाँ है, ये तो बस ऐसे अकड़ के पड़ा रहता था चुपचाप, ये कहाँ बोल पाता था, बोल ही नहीं पाता, तो बात कर रहा खड़े होकर भी, तो बात ये आता था तो बस टेढ़ा होके एकदम हथकड़ी वेड़ी लग के पड़ा रहता था, कुछ भी करते रहो मारते रहो बोलते ही नहीं था, ये बोल ही नहीं पाता था बच्चा, बोल ही नहीं पाता था। नहीं वो तो अभी उसी से 3 बार बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, बैलेंस, आँख खोलो, बंधन खींचो 3 बार, ओम नमः शिवाय। उल्टी रोक दी जाए बच्चे की। बैलेंस, अब मूवमेंट करो, चलो फिरो, अब बैठ जाओ, बैठो बैठो, अब तुम बैठ के अपने कोर से संबंधित कुछ भी आँख बंद करके उसको पढ़ो लिखो, देखें क्या होता है। पढ़ना
पढ़ाई के समय निद्रा की जितनी स्मृतियाँ सब नष्ट कर दी जाएँ, शिव नष्ट करके सब सेवकों खिला दी जाएँ, पढ़ाई के समय जागृति की स्मृतियाँ भर दी जाएँ, एकदम जागृति रहे, सब कुछ पढ़ पाएँ, सब याद रहे, एकाग्रचित रहें, ये सब स्मृतियाँ भर दी जाएँ, बैलेंस। अनपढ़ों की जितनी स्मृतियाँ हैं, जितनी अनपढ़ स्मृतियाँ हैं, ये बाहर निकाली जाएँ। ओम शिव, जो पढ़ाई के समय आगे आ जाती हैं अनपढ़, बाहर निकाली जाएँ, जिनको पढ़ाई से चिड़ है, शिव नष्ट करके सेवकों को खिला दीजिए। बैलेंस, पिछले जन्मों की स्मृति के द्वार बंद कर दिया जाए, तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब पढ़िए, अब पढ़िए लिखिए, जो पढ़ एक बार आँख खोलो, हाँ अब बंद करो, अब जो पढ़ना लिखना पढ़ो लिखो, बैलेंस। तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बैलेंस। आँख खोलो, खड़े हो, अब तुम सब पढ़ लिख पाओगे, है? कब से नहीं पढ़ लिख पाए तुम? याद नहीं है कुछ, याद नहीं है, इतने साल हो गए, जैसे पंडे बैठते हैं वैसे नींद आ जाती है या भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। पढ़े नहीं मुझे, कोई बात नहीं, बढ़िया है, अब तुम पढ़ पाओगे, लिख पाओगे, काम कर पाओगे, है ना? जैसे पढ़ने बैठते हैं कमर में दर्द होने लग जाता था बहुत ज़्यादा, अब तो नहीं हो रहा है? अभी तो नहीं हो रहा है, अब नहीं होगा, वो सब गए, और तुम तो पहले हमसे बात ही नहीं कर पाते थे, जी जी, बोल ही नहीं पाते थे एक शब्द। बढ़िया बेटा, खुश रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो,